हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल। तो आज हम करने वाले हैं सिंपल इक्वेशन। क्या करने वाले हैं बेटा? सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन नया चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये आगे भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना है और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, उसके बाद ही नोट करना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू अ एलजेब्रिक एक्सप्रेस। जो हमारे वर्ड फॉर्म में दिया है उसे किस में एक्सप्रेस करना है मुझे? फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, कह रहा है थ्री टाइम्स आवर नंबर प्लस सेवन। थ्री टाइम्स आवर नंबर प्लस सेवन। थ्री टाइम्स का नंबर किसकी बात कर रहा है बेटा? थ्री टाइम्स का नंबर प्लस वन। बहुत ध्यान से देखना बेटा, थ्री टाइम्स का नंबर एम है, यानी कोई भी नंबर थ्री टाइम्स है और फिर सेवन प्लस किया जाता है। तो देखो इसका सीधा से इक्वेशन क्या, थ्री टाइम्स प्लस एम प्लस ये फाइनल बनेगा थ्री एम प्लस सेवन। ए का आंसर, बी का देखो, कह रहा है एट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम थ्री टाइम्स आ नंबर वाई। थ्री टाइम्स आ नंबर वाई, उसमें से हमें क्या एट सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका बन जाएगा थ्री वाई माइनस एट। क्लियर? कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही करना है। सी को देखो बेटा, क्वेश्चन सी को देखो बेटा। क्वेश्चन चेंज करके देखें बेटा, अब इसमें देखो बेटा क्या करना है। फोर टाइम्स आ नंबर इंक्रीज बाई सिक्स। फोर टाइम्स आ नंबर, कोई अब फोर टाइम्स आ नंबर इंक्रीज बाई सिक्स, तो हमें मान लेगा आ नंबर जो है थोड़ा मानना पड़ेगा। लेट ए नंबर इज एक्स, उस नंबर को एक्स मान लिया, इसको एक्स मान लिया। अब ये एक्स जो है फोर टाइम्स है, एक्स फोर टाइम, उसमें सिक्स के इंक्रीज हो रहा, यानी सिक्स प्लस हो रहा, तो आंसर वैल्यू फोर एक्स प्लस सिक्स। ऐसे डी वाला होगा, अरे थ्री टाइम्स थ्री फोर्थ का नंबर, तो फिर इसमें लिखेंगे लेट ये नंबर इज एक्स। थ्री फोर्थ का मतलब हो गया थ्री फोर्थ, ये थ्री फोर्थ था, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे और प्लस फाइव कर देंगे, ये भूल लगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये पहले का सॉल्यूशन है। किसका? पहले का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन सिक्स जो है पहले का सॉल्यूशन है। किसका? पहले का। क्लियर? चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर टू। मैच द फॉलोइंग। क्या करेंगे? मैच द फॉलोइंग, उसको हम यहीं कर लेंगे सर। मैच द फॉलोइंग तो कर ही लेंगे, मैच द फॉलोइंग पढ़ो। पहला कह रहा है एट, एट सब्ट्रैक्ट करना है, एट को सब्ट्रैक्ट करना है, एट को सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसमें से एट सब्ट्रैक्ट किसमें से हो रहा? अब एक ही कंडीशन मन है एट सब्ट्रैक्ट होने की, ये तो ये आंसर हमारा क्या ए का, और इसमें ट्वेल्व भी आ रहा, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फाइव टाइम्स ऐसा हो जाएगा फाइव एक्स माइनस एट बराबर ट्वेल्व, तो हमें तो मैचिंग करनी है, क्या दिमाग लगाना है। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन तो करना नहीं है। ठीक है,
तो ये हमारा कैसा एसी मैच हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा एसी मैच हो गया, फोर टाइम्स द सम ऑफ एक्स, फोर टाइम्स द सम ऑफ वाई प्लस फाइव। तो देखो किसमें फोर टाइम्स हो रहा है, किसमें फोर टाइम्स हो रहा, किसका, इन दोनों के सम का, तो ये हो रहा इक्वल टू टेन, तो ये हमारा बी का हो गया। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। वन फोर्थ किस में हो रहा है, वन फोर्थ ऑफ एक्स इज फोर मोर देन, तो वन फोर्थ किस में हो रहा है बेटा, ये हो रहा है तुम्हारा सी का। अब बच्चा जो एक है वो तुम्हारा डी का हो ही जाएगा, तो फर्स्ट का जो हमारा हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, ऐसे डी का हमारा कैसे हो जाएगा, डी का हमारा कैसे हो जाएगा, ऐसे डी का, ऐसे एक मैच हुआ भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है थ्री को देखते कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्या द प्रोडक्ट ऑफ 13 आ नंबर इज 19, हमें ये नंबर मानना पड़ेगा, ये नंबर कौन सा है तो मानेंगे, लेट लेट अ नंबर इज नंबर एक्स मान लिया, तो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 13 और एक्स का कितना दिया 39, तो जो आंसर बनेगा 13x = 39, ये मेरा जो आंसर बनेगा ये बनेगा, ठीक है। बी वाला देखो, द कोसेंट ऑफ आ नंबर डिवाइड बाई 5, तो मान ले वही एक एक ही सबके लिए कॉमन ही मान लेते, सब में लिख लेंगे लेट ए नंबर इज एक्स, एक्स नंबर है। अब एक्स जो है एक्स में डिवाइड करेंगे 5 का, एक्स में 5 का डिवाइड करेंगे तो आंसर बिल भी कितना आएगा हमारा 30, तो ये आंसर भी। सी वाला देखो बेटा, समझ में तो आ रहा, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है बेटा, ठीक है। सी वाला, द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस ऑफ अ नंबर, पहले आ नंबर की बात कर रहा था, लेट करेंगे ए नंबर इस अ नंबर एक्स, लेट लेट जरूर लिखेंगे, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन किस में थ्राइस ऑफ नंबर, द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस ऑफ नंबर एंड एट, थ्राइस ऑफ अ नंबर माइनस एट बराबर टेन। डी वाला देखो, डी वाला डी वाला देखते हैं, टू थर्ड आवा नंबर, फिर एक बात है भाई लेट करना पड़ेगा, लेट आ नंबर इज एक्स, ठीक है, जो नंबर हमारा क्या है एक्स है, ठीक है, टू थर्ड की बात कर रहा है, टू थर्ड हमारे इस टू थर्ड आ नंबर
2/3 आ नंबर 8 to 5 गेट से 10। ठीक है, ये वाला देखो बेटा, एडेड टू थ्रैशर नंबर, भाई एक ही बात फिर रिपीट, लेट ए नंबर इज एक्स, क्या बोला, सिक्स एडेड टू थ्रैशर नंबर, तो थ्रैशर नंबर सिक्स एड कर दिया और इज कितने के बराबर है, 12 के बराबर है। ठीक है, यह वाला 8 times of number, फिर वही बात सेम रिपीट करने की, लेट अ नंबर इज एक्स, कह रहा है 8 times a number यानी 8 times a number डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब माइनस का यूज होगा, 4 = 28। तो हमारी 3 तक क्वेश्चन थे, 3 तक, 4, 5 और आगे देखेंगे। ठीक है, दूसरा पेज ऐड करना पड़ेगा 4, 5 के लिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा, ये जरूर डेली ये काम करना। ठीक है, पढ़ो बेटा फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्या कह रहा, गुंजन मदर इज 36 ईयर ओल्ड। ठीक है, गुंजन की जो मदर है, गुंजन की जो मदर है वो 36 ईयर ओल्ड है। ठीक है, सी इज 3 years older देन थ्राइस ऑफ गुंजन इज, तो मान लेंगे लेट एज, अगर 3 times of age 3 years older, ओल्डर मतलब प्लस 3 = 36, ये मेरी एक क्वेश्चन बन गई, 3x + 3 = 33। इसमें गुंजन एज को जी मान लिया, ठीक है, हम मान सकते गुंजन एज को जी मान सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जी मान लो गुंजन को, जी मान लो, जी भी मान सकते, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। बी वाले देखो, राम फादर्स एज 5 years less than 4 times राम एज। ठीक है, राम फादर्स 35 years, कोई दिक्कत नहीं, तो बोले राम एज, राम इज लेट, लेट राम एज इज आर, एज आर मान ली, आर से स्टार्ट, तो कह रहा है 4 times age of Ram, 4 times Ram की एज। ठीक है, कितनी है, लेस देन 5 years, 5 years लेस कर देते और ये फादर्स की एज के बराबर हो जाएगी। नहीं, सिंपल सा इक्वेशन था, सी वाला कह रहा, अतुल इज 5 पेंसिल लेस देन थ्राइस ऑफ पेंसिल राहुल हैज। ठीक है, अतुल हैज 16 पेंसिल, कोई दिक्कत नहीं, थ्राइस पेंसिल द राम हैज, लेट इस पेंसिल, तो एक्स का कितना हमारा थ्राइस, कितना लेस देन है हमारा, 5 पेंसिल लेस देन है
और किसके बराबर है? 16 बन गए, हमारे क्वेश्चन बन गए। आंसर गुण ने पी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पी मान सकते हैं, ठीक है। पेरीमीटर और रेक्टेंगल 18, द साइड ऑफ डी वाला, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है, तो मान लेते लेट ब्रेथ इज एन लेंथ ऑफ वाई, बी माना गया, बी। तो बताइए लेंथ, लेंथ हमारी कितने दिखी, 2b हो जाएगी, और ब्रीथ तो ब्रीथ है ही, तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है बेटा, प्लस बी, ठीक है। पेरीमीटर है कितना 18, तो एल हमारा कितना दिया 2b बराबर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसको ना सीधा सा सही फॉर्म में लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को। और वर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। नंबर एडेड टू 12 गिव्स 27, आ नंबर 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 एन टू 12 गिव्स 27, ठीक है, बी वाला, देन इट टू एडेड टू 15 राइस ऑफ आ नंबर ऐसे नहीं, सिंपल भाषा में लिख देते हैं, ठीक है, थ्री टाइम्स आ नंबर, टू 15 गिव्स 16, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऐसे लगे सी में, देखो बेटा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम टाइम्स नंबर गिव्स 4 टाइम्स आ नंबर गिव्स 4 आ नंबर 4 टाइम्स आ 4 टाइम्स फोर टाइम्स ऑफ इट सेल्फ ये तो बनाने के ऊपर है कुछ भी ना, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ना इसमें लिखा 5 सब्ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ लिखा गया 3 सब्ट्रैक्ट वन फोर्थ गिव्स 7, टेन सब्ट्रैक्ट इसका ये ऐसे ई वाले का लिख लेंगे, टू थर्ड ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 गिव्स माइनस 8,
टेन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे डी, ये वाला टेन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम टू थर्ड नंबर गिव्स माइनस। अब ये लैंग्वेज के ऊपर आप जिस तरीके से लैंग्वेज लिख पाओ समझ में, सीधा से लिखा है 12 एडेड टू अ नंबर गिव्स 27, थ्री टाइम्स अ नंबर एडेड टू 15 गिव्स 16। अब सब्ट्रैक्ट में क्या होता है इसको पहले माइनस 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर गिव्स 4 टाइम्स अ नंबर, सीधी सी बात। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1/4 ऑफ अ नंबर गिव्स 7, ठीक है उल्टा लिख दिया बेटा, देखो समझ में, इसमें उल्टा लिख दिया, इसको ऐसे लिखेंगे 2/3 नंबर, देखो 2 नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 गिफ्ट माइनस, ठीक है। ये चीज़ आप लैंग्वेज लिखोगे अपने आप आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ये तो हमारी एक्सरसाइज थी 4A जो हमारी बेस वन थी, ठीक है। अब हम चलेंगे 4B पर, जो हमारी होगी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। ये जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से नोट कर सकते हो। अभी आपको छुट्टियां होने वाली हैं तो छुट्टियों में काम आएंगे।